गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज माय बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। अवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन विद द हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट इन इट। कि हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करती है। किसकी हेल्प से? डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्प से। व्हाट आर ऑर्गन्स? ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। कि ऑर्गन्स क्या हैं? कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे हार्ट, आईज एंड स्टमक। आर सम ऑफ द मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम। कि हमारी जो बॉडी है मैनी सिस्टम से मिलके बनी हुई है। अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। अब देखो बेटा, सिस्टम क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो क्या करता है, वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। कि ये सिस्टम जो हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हैं और पर्टिकुलर फंक्शंस हमारी बॉडी में परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी स्टडीड इन क्लास फोर्थ दैट द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड द इंटेस्टाइंस फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हमने फोर्थ क्लास में ऑलरेडी रीड किया है किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है और इंटेस्टाइंस। ये सारे पार्ट जो हैं मिलके क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये आपने कौन सी क्लास में रीड किया है, फोर्थ क्लास में। सिमिलरली द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स हेल्प इन ब्रीदिंग। अब ये जो नोज़ है, विंड पाइप है, लंग्स हैं, ये किस में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में। ठीक है बेटा, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द ब्रीदिंग सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम एंड द सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। अब इस लेसन में हम किसके बारे में रीड करेंगे, ब्रीदिंग सिस्टम के बारे में, स्केलेटल सिस्टम के बारे में और सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम किसके बारे में रीड करेंगे, द ब्रीदिंग सिस्टम। किसके बारे में रीड करेंगे, ब्रीदिंग सिस्टम। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो है, आप इस वर्ड को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ब्रीदिंग की क्या डेफिनेशन है, कि द प्रोसेस बाय विच वी टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन को शॉर्ट फॉर्म में O2 भी बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CO2। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट इन ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब बोल रहे हैं जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है, बिना रेस्ट से और सभी लिविंग बींग्स में। इफ़ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर 1 मिनट या मोर देन 2 मिनट्स द लिविंग बींग कैन डाई। कि अगर जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है स्टॉप हो जाए या हम सांस लेना रोक लें 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए, तो जो लिविंग बींग हैं वो क्या हो जाएंगे, दे कैन डाई। ठीक है, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर इन्वॉल्व वेन यू ब्रीद। स्टूडेंट्स, अब हमने क्या रीड करना है, कि कौन सा बॉडी पार्ट है जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होता है, उसमें हेल्प करता है। डू यू नो?
लेट्स फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, अब हम जो ये क्वेश्चन है कि कौन सा जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, इसका जो आंसर है हमने फाइंड आउट करना है। लेट अस फाइंड आउट द एयर दैट वी ब्रीद इन और इनहेल, ठीक है, एंटर अवर बॉडी थ्रू द नेजल ओपनिंग ऑफ द नोज। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीजन, जो एयर हम ब्रीद करते हैं, लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर होती है, नोज से। कहाँ से एंटर हो रही है एयर, नोज। ठीक है, अब नोज से हम सांस ले रहे हैं तो जो आपके जो होल दिखाई देते हैं नोज पे, उनको क्या बोलते हैं, नेजल ओपनिंग। क्या बोलते हैं उनको, नेजल ओपनिंग। ठीक है, द नोज इज़ कनेक्टेड टू टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द बॉडी बाय अ ट्यूब कॉल्ड द विंड पाइप। ठीक है, अब जो नोज है वो किससे कनेक्ट होता है, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर, और उसकी शेप कौन सी है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर के साथ वो अटैच होता है, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विंड पाइप। क्या बोलते हैं इसको, विंड पाइप। द टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लंग्स, और जो विंड पाइप है वो किससे कनेक्ट होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और उन बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, लंग्स, दैट इज लंग्स। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड। अब देखो बेटा, जो हमने एयर ली, ऑक्सीजन जो हमने नोज से ली, ठीक है, वो विंड पाइप से होती हुई कहाँ पहुँच गई, लंग्स में। अब लंग्स में जो ऑक्सीजन पहुँच गई वो कौन ले लेता है उसको, ब्लड। किसने टेकन कर लिया उसको, टेकन अप कर लिया, ब्लड ने। ठीक है, अब जो CO2 थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो क्या हो जाती है, अनलोडेड। द दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्रेवन आउट ऑफ द बॉडी और एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है या CO2 है, वो किससे, किसकी हेल्प से बाहर निकल जाती है, नोज से। एक्सहेल्ड होता है निकालना, निकलना, ठीक है, किसकी हेल्प से बाहर निकल जाती है, नोज से। ठीक है, द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज सर्कुलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड की, ऑक्सीजन अब ब्लड की हेल्प से, ठीक है, लंग्स से होती हुई कहाँ चली जाती है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड क्या करता है, उस ऑक्सीजन को किस में सर्कुलेट करता है, होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड आल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग्स इट टू द लंग्स। और ब्लड ही क्या करता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में से कलेक्ट करता है और वापिस किसको दे देता है, कहाँ पहुँचाता है, लंग्स में। ठीक है, अब ब्लड दो काम कर रहा है, एक तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहाँ सर्कुलेट कर रहा है, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से दोबारा कलेक्ट करके कहाँ लेके आ रहा है, लंग्स में। ठीक है बेटा, अब उसके बाद क्या है, वी दस अंडरस्टैंड दैट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड बाय द बॉडी। कि अब हमने यह समझा या पढ़ा कि ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी उसको क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, दिस हेल्प्स डिफरेंट ऑर्गन्स टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। अब वही ऑक्सीजन जो है वो हमें क्या हेल्प, कहाँ हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को प्ले करने में हमारी हेल्प करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन आउट ऑफ द बॉडी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। अवर ब्रीदिंग सिस्टम इज ऑलवेज एट बर्थ बिकॉज वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम।
कि हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है ये ऑलवेज एट वर्क कि हमेशा काम करता रहता है. क्यों? क्योंकि वी हैव टू कीप ब्रीदिंग ऑल द टाइम कि हम ऑल द टाइम जो हैं सांस लेते रहते हैं और इसी तरह से हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है ये ऑलवेज एट वर्क ये हमेशा ही काम करता रहता है. नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइजेज लाइक रनिंग वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप अवर बॉडी एंड अवर ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी कि फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं जैसे रनिंग करते हैं वॉकिंग करते हैं प्लेइंग करते हैं. ठीक है तो ये क्या करते हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज जो हो रही है इससे क्या होता है हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है कैसा रहता है हेल्दी और हमारी बॉडी जो है कैसी रहती है हेल्दी. इसीलिए हमें जो है फिजिकल एक्सरसाइज जो है रेगुलरली करनी चाहिए. ठीक है बेटा तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट द ब्रीदिंग सिस्टम. अब देखो ऊपर जो है ग्रीन कलर का डू यू नो दिया गया है. अब इसमें क्या दिया गया है द राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर देन द लेफ्ट कि हमारा जो राइट लंग है ये हल्का सा लार्जर देन द लेफ्ट कि लेफ्ट लंग से जो हमारा राइट लंग है ये थोड़ा सा बड़ा है. ठीक है अब देखो यहाँ पे आपकी ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम की डायग्राम बनी हुई है. बनी हुई है ना. हाँ जी बेटा अब देखो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि देखो हमने एयर जो है कहाँ से लेना शुरू की नोज से. ठीक है कहाँ से लेना शुरू की थी नोज से और नोज से होती हुई कहाँ गई वो विंड पाइप में और विंड पाइप से होती हुई वो कहाँ पहुँच गई टू बैलून लाइक स्ट्रक्चर. देखो बने हुए हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर के बने हैं ना बेटा. हाँ जी इनको क्या बोलते हैं लंग्स. क्या बोलते हैं इनको लंग्स. और यहाँ पे जब ये ऑक्सीजन पहुँचती है तो ब्लड की हेल्प से हमारी जो बॉडी पार्ट्स है होल जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ पे सर्कुलेट होती है. ठीक है और जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ठीक है बाहर हमारे बॉडी से बाहर आ जाती है. ठीक है इस तरह से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया. तो आपने जो फर्स्ट पेज है ठीक है लेसन नंबर 1 का फर्स्ट पेज जो है इसको अच्छे से रीड करना है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है. ठीक है तो आपका आज का ये काम है रीड पेज नंबर फर्स्ट केयरफुली. इज़ इट ओके बेटा ओके.